एक बात बताओ मुझे शानी, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं फ्री हूँ? जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनके दिल का हाल पता चल ही जाता है। अच्छा, आज तो बड़ी आजी दिखाई जा रही है। कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है हमारी, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। अब मैं तुम्हारे सामने आजी नहीं दिखाऊंगा तो किसके सामने दिखाऊंगा? अरे कहाँ हो गई? अब कहीं नहीं, यही हूँ। यही तो नहीं हो, झूठी। मैंने कब झूठ बोला? यही हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ये बात सिर्फ तब मानूंगा जब तुम यहाँ मेरे पास मेरे सामने होगी। उसके लिए अभी थोड़े दिन और वेट करो। मैं कोई सबर वबर नहीं कर रहा, तुम ना बस जस्ट गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? तुम घर पहुंचो, मैं आ रहा। बाय शादी। अरे अब चलिए भी, और कितनी देर करनी है? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। क्यों घर सर पे उठा रखा है? किसकी है ये? फिलहाल ड्राइविंग सीट पे मैं हूँ, मेरी। फिर किसी दोस्त की गाड़ी उठा लाया। मुझे इस तरह से दो पल की खुशियों से बहलना नहीं आता। मैं तो खुश उस दिन होंगी जिस दिन तुम्हारी अपनी गाड़ी। अरे आ जाएगा, आ जाएगा, वो दिन भी आ जाएगा। पता नहीं कब आएगा। मैंने कहा ना आ जाएगा। और अपना मूड तो ठीक कीजिए, इस तरह आनिया के घर वाले आपसे मिलेंगे तो क्या सोचेंगे आपके बारे में? अच्छा भाई, इतनी फिकर है ना आनिया के घर वालों की, तो मैं नहीं जाती, फोन पर ही बात कर लेती। प्यारी मन, देर हो रही है ना, आ जाओ ना प्लीज। आई लव यू प्लीज। चलो सालिया, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि किसी और चीज की तो जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वक्त पे पता चले तो फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। अरे भाभी जान, पहले आप लोगों के कम ऐसा ना थे क्या? आप बस मेरी हानिया के लिए दुआ करें। हाँ जरूर। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इस तरह अचानक से? लो भला, अचानक का क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बताकर ही आ जाते हैं आप लोग। अरे सालिया, जिन लोगों से रिश्ते जुड़ जाते हैं वो गैर थोड़ी रहते हैं। ये इनका अपना घर है और अपने घर में कोई बताकर आता है कि? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। अरे आइए आइए आइए, आओ बेटा आओ। और कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आओ जी, आए बैठे जी। आए भाभी आए। कहाँ है हानिया? नजर नहीं आ रही इस वक्त, तो वो पॉलर में होती है ना। पॉल, तुमने उसे बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? जी मैंने तो बता दिया था, मगर शायद वो मैं उसे अभी फोन करती हूँ, बताती हूँ उसे। आप लोग बैठे। आप लोगों के आने का सुनेगी ना तो फौरन चली आएगी। उसे फौरन आना होता तो अब तक आ चुकी होती। अरे क्या हो गया, आ जाएगी। इतना मुतावला होना भी तो ठीक नहीं है। मुतावले तो तुम हो रहे थे हाँ, और मुझे नसीहत है। हेलो। वो बेटा शानी और उसकी अम्मी आए हैं, तुम बस जल्दी से आ जाओ। अम्मी अभी तो मैं बिजी हूँ, मेरी क्लाइंट बैठी हुई है। बेटा थोड़ी देर के लिए ही आ जाती।
मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ जल्दी आने की, ठीक है? चलो ठीक है, बस जल्दी से आ जाना, तब तक मैं ना चाय वगैरह का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ, खुदा हाफिज़। अरे कभी आप भी हमारे यहाँ चक्कर लगा लिया करें। हाँ हाँ, आऊंगी किसी दिन। वो मैंने फोन कर दिया, बस वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। आप लोग बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, हम चाय पीने नहीं आए, वो तो इस जुमे को घर में मिलाद की महफिल रखी है, उसी की दावत देने आए। आप आइएगा और इनको साथ जरूर लेकर आइएगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, लेकिन आप चाय तो पी लेना। नहीं आंटी, मम्मी ने कहा ना देर हो रही है, तो बस चलते हैं। वाकई देर हो रही है, फिर कभी आएंगे, फिर पियेंगे। बेटा थोड़ी देर तो रुक जाते, बस हानिया भी आती होगी। नहीं कोई बात नहीं, बस हम दावत का कहने आए थे, देर हो रही है, चलते हैं। चलो बेटा चल, ओके। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है जी। सालिया, मुझे तो ये बहुत ही नखरे वाली औरत लगती है। हाँ भाभी, लेकिन मिजाज ऐसा है, दिल की बुरी नहीं है। दिल की कैसी है वो तो मुझे नहीं मालूम, ये तो अल्लाह को ही मालूम है कि वो दिल की कैसी है। लेकिन ऐसे मिजाज के साथ हानियों को उसकी परवाह बहुत करनी पड़ेगी। मैं आपकी बात समझी नहीं। अब देख लो ना, कह तो रहे थे वो लोग कि हम हानिया को बताकर आए हैं, और शानी ने खुद कहा कि मैंने उसे बताया था, फिर भी वो घर पे नहीं थी। आनिया को घर पे होना चाहिए था ना। भाई वैसे तुम लोग अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, जो मर्जी में आए करो, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो कहती हूँ शानी, अब भी वक्त है, सोच लो। आप तो बस यही चाहती हैं कि कुछ भी करके ना मैं इस बारे में एक बार फिर से सोच लूं, जो मैंने नहीं सोचा। शानी मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, अपनी मर्जी करने वाली लड़कियां बाद में नाको चने चपवाती हैं। अच्छा आप इतना हल्का मत लिया करें बेटे को, मैं खुद चपवा दूं चने नाको। तुमने नहीं सुननी मेरी बात, उस लड़की ने मोहब्बत के दो बोल बोलकर तुम्हें चारों खाने चित कर दिया। अब तुमसे किसी बात की भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बस कर दे बस। उठा लो, उसी का होगा फोन, मां ने बता दिया होगा कि हमने माइंड किया। तो मुझे बात नहीं करनी है। रात को तो घंटों फोन पे लगे रहोगे, इस वक्त मुझे दिखावे को कह रहे होगे, मुझे नहीं करनी बात। बस कर दे आप, बस कर दे, मैं गाड़ी मार दूंगा कहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे शानी, उस लड़की की मोहब्बत ने तो बिल्कुल ही पागल कर दिया। उस लड़की, ध्यान से। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई है उन लोगों के सामने। अरे लोग जहाँ अपनी बेटियां देते हैं उनको तो सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। क्या हो जाता अगर हानिया दो मिनट के लिए अपना पार्लर बंद कर आ जाती तो। मेरी तो हर बात ही सालिया को बहुत बुरी लगती है, आप उसे जरा समझाया करें। लेकिन आप क्या समझाएंगे, आपको तो खुद उसके सामने चुप लग जाती है। अरे मैं तो आपके सामने भी चुप लग जाती है जनाब। अच्छा अब मेरी बात को ना मजाक में मत डालिए प्लीज। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी कोई इमरजेंसी हो गई हो, कोई क्लाइंट आ गया हो उसका। बस फौरन बहाना तराश लिया करें आप अपनी बहन और भांजी के लिए। अम्मी जब भी मैं उसके पार्लर में गई हूँ वहाँ पे रश बहुत। बड़ी मेहनती बच्ची है वो। थैंक यू बेटा, जीतती रहो। आपको याद है एक आईने से पार्लर शुरू किया था उसने। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, हर महीने आप अपनी बहन के हाथ पे कुछ ना कुछ रख देते हैं। अल्लाह का खौफ किया करो, जब से जावेद सेट हुआ है आज तक एक पैसा भी नहीं मांगा उन लोगों ने।
अबू जी, अम्मी बता रही थी कि हानिया की सास बहुत तेज खातून है। अरे बेटा, आपकी अम्मा को तो सब अपनी जैसे नजर आती है। ये तो वक्त बताएगा कौन मुझ जैसा है और कौन नहीं। बस जरा शादी होने दे हानिया की। देखो, दूसरों की बच्चियों को दुआएं दिया करो। यकीन मानो, अगर मेरा कोई बेटा होता ना, मैं हानिया को कभी दूसरे घर जाने ही ना देता। भूल है आपकी, हानिया ने लड़के को खुद पसंद किया है। यूं भी अगर बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है। मैं भी देखती हूँ कि जावेद का रिश्ता करते वक्त उन्हें हमारी बेला नजर भी आती है कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये देखो क्या लाया मैं। भाई, आप क्या रोज रोज सब चीजें उठा लाते हैं? मैंने मना भी किया आपको। अरे क्यों ना लेकर आओ, अब तुम तो इस घर में कुछ दिनों की मेहमान हो। मेरा दिल तो करता है कि रोज तुम्हारी पसंद की चीजों से टेबल सजी रहे। तुम जल्दी से खाना निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। बेटा, वैसे भी क्या बात हो गई है कि तुम इतनी परेशान हो? मम्मी, शानी को कम से कम ये बात तो सुननी चाहिए थी ना। क्या मतलब, वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा? गुस्से में वो ऐसा ही करते हैं। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, ये तो उसे चाहिए ना कि वो तुम्हारी मजबूरियों को समझे। खैर, मैं ये निकाल कर ला रही हूँ, तुम अपना मुँह ठीक करो वरना जावेद देखकर परेशान होगा। अरे छोड़ दे इस मोबाइल की जान, एक कप चाय बना दे, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तारा जान, छोड़ दे इस मोबाइल की वरना आग लगा दूंगी इसे। चल जा चाय बना कर ला। तोबा है अम्मा, गुस्सा किसी और जान मेरी अजाब में डाली हुई है। हाँ, माँ को एक कप चाय बना कर देना ना, जान अजाब में आ गई। बहुत अच्छा सिला दे रहे हो, बहुत अच्छा सिला दे रहे हो तुम सब लोग मुझे। अच्छा अच्छा, बस बना देती हूँ चाय, ज्यादा जज्बाती लाइन मारने की जरूरत नहीं है। बहुत जबान चलाने लगी। भाई, खाना खाएंगे आप? नहीं, मैं बाहर खा क्या है। अच्छा, अम्मा का मूड सख्त खराब है। हाँ बस, अम्मा का मूड खराब है बिला वजह, जैसे दिमाग खराब हो गया माँ का। सलाम अलैकुम। मैं पैर दबा दूं? हटो, कोई जरूरत नहीं मेरी खिदमत करने की। शानी, मैं मिलाद की वजह से चली गई थी, वरना वहां मैं कभी ना जाती। अरे अब छोड़ भी दे मिलाद का किस्सा, क्या निकालना है उसमें से? अच्छा, तो तुम्हारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है? रिश्ते के बाद पहली दफा गई थी मैं, लेकिन उसने घर आकर मुझसे मिलना गवारा नहीं किया। अरे मैंने दरअसल ना उसको बताया ही नहीं था कि आप आ रही हैं साथ। मुझे लगा मैं उसको सरप्राइज दूंगा। और सरप्राइज उसने दे दिया। देख शानी, तेरी वजह से मजबूर होकर मैं रिश्ता लेने गई थी, वरना ऐसी खुदसर लड़कियां तो मुझे पसंद ही नहीं। अरे पर ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं उसको बोलूंगा, वो देखना खुद माफी मांगेगी आपसे। चल ऐसा भी करके देख ले। कहां रह गई यह लड़की, एक कप चाय बनाने के लिए गई थी, पाए रख दिए क्या? मैं देख क्या था। जान छुड़ाओ बस मुझसे सब, जाओ। शानी, मैंने कितनी बार, तुम मेरी बात सुनो पहले। जी बोले। तुम क्या समझती हो खुद को?
मानता हूं मैं थोड़ा बेबस हूं मैं, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूं, किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यूं आजमाओ मुझे। शानी, आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? अच्छी तरह जानती हूं तुम, अम्मी को कितनी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए राजी किया मैंने, और आज उनके सामने तुमने कितना शर्मिंदा किया मुझे। शानी, मैं तो आने वाली थी, लेकिन फिर एक क्लाइंट आ गई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट या भाड़ में, तुम्हें आना चाहिए था। पर शानी, आपने ये तो नहीं बताया था कि आंटी साथ आ रही है। अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं क्लाइंट को रिफ्यूज कर देती। अच्छा, मतलब अम्मी के लिए तुम क्लाइंट को रिफ्यूज कर सकती हो, मेरे लिए नहीं कर सकती। शानी, आप लोग के जाते ही आ गई थी, पर आप रुके ही नहीं, और मैंने आपको कितनी कॉल्स की, आपने अटेंड ही नहीं की। हाँ तो क्यों करता? गुस्सा था मुझे, कितनी बातें तो सुन चुका था अम्मी की, अब तुम्हारी क्या सुनता। सॉरी शानी, और मैं आंटी को भी सॉरी कर लूंगी। कल इतनी सी बात पे तो राजी नहीं हूंगा ना मैं। क्या मतलब? मतलब कल मिलके समझाता हूँ, कहीं कहीं बाहर मिलता। लेकिन शानी, अब कह दो नहीं मिलना तुम्हें। यार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ शानी, प्लीज कूल डाउन, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने आपसे नहीं मिलना। हाँ तो बस ठीक है ना, कल मिलते हैं, कुछ मत कहो, अम्मी को कल फोन करके सॉरी कह देना। जी। अच्छा सुनो। जी शानी। आई लव यू। हानिया, मैंने भाई से इतनी बार कहा है कि मुझे आपके घर ले जाएं। अब जब घर का पॉलर है तो मुझे बाहर जाकर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? लेकिन उनको उनको आंखें दिखाने के सिवा कुछ आता ही नहीं। हाँ हाँ, मैं आपकी अम्मा से बात करवाती हूँ। बात करी ना उसने आपसे, बात करने के लिए कॉल की। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज आंटी कैसे याद आ गई? आंटी, मैंने आपको सॉरी कहने के लिए फोन किया है। मैं जब पार्लर से निकलने लगी थी तो अचानक से मेरी क्लाइंट आ गई और फिर मुझे रुकना पड़ गया। आई एम सो सॉरी। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, मैं तो बड़ी चाहत से तुमसे मिलने गई थी, लेकिन मैंने शानी से कहा भी था कि तुम्हें बता दे। आंटी मुझे पता है, लेकिन अगर शानी ने मुझे बताया होता ना कि आप साथ आई हैं तो मैं क्लाइंट छोड़कर भी आ जाती। आई एम रियली सॉरी आंटी, आप बस मुझसे नाराज नहीं हो। अरे बेटा, मैंने क्यों नाराज होना है? और मैं नाराज हो भी जाऊं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? आना तो तुमने इसी घर में है ना। आंटी, फिर मैं समझ लूं कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और देखो ना बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। शुक्रिया आंटी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। May I come in, sir? आओ। सर ये फाइल बिल्कुल रेडी है, आप भी एक दफा चेक कर लें। तुमने देख लिए? Yes, sir, I'm fully satisfied. It's great. तुम्हें घर पे चैन नहीं है? नहीं, घर में चैन नहीं है मुझे। अब चुप करके यहाँ बैठ जाओ और जब तक मैं काम ना खत्म कर लूँ कुछ नहीं बोलना, ओके? फिर चलेंगे लंच पे। वैसे बाबा, आपने जावेद को डांटा है क्या? इतना सहम के खड़ा है। जावेद एक बहुत ही कॉम्पिटेंट वर्कर है, ओके? बाय द वे, डांट सिर्फ आपको पड़ती है, चुप करके बैठो। ओके सर, थैंक यू। आ जाओ मिस्टर कॉम्पिटेंट। शर्मिंदा क्यों कर रही हो? तुम्हारे तो ऑफिस है। अच्छा, मानते हो ना कि फिर तुम्हारी हर चीज मेरी है? मेरा मतलब है कि तुम्हारे पापा का ऑफिस तुम्हारा ही हुआ ना। बहुत स्मार्ट हो तुम, बाबा के सामने कैसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे जानते ही नहीं हो मुझे।
अगर मैं ऐसे रिएक्ट ना करूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मुझे प्रॉब्लम से डर नहीं लगता तो तुम्हें क्यों लगता है? मैं तो बाबा को बताने वाली हूँ। क्या बताओगी? यही कि तुम्हारी मॉम मेरे घर आएंगे रिश्ता लेने मेरा। ओह हेलो, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे जॉब से निकलवाओगी क्या? रियली ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरी बात तो सुनो। हाथ पकड़ने की हिम्मत है लेकिन रिश्ता नहीं भेज सकते। भेज दूंगा ना, भेज सकता हूँ, वक्त तो आने दो। Are you sure? सही, चलो काम करो, खड़े क्यों हैं यहाँ? क्या मुसीबत है अम्मा, इतनी अच्छी मूवी आ रही थी। तुम बैठी बस मूवी देखती रहो, किचन में इतना काम पड़ा है उसकी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। मुझसे पूछकर रखा था मिलाद आपने, मुझसे नहीं होता ये काम। आम भाई से कहिएगा सब बाजार से ले आए। अरे बाहर से ले भी आए तो देखो जरा जाकर किचन में काम कम है क्या? तो ठीक है ना, राफिया आप ही से कहें सुबह जल्दी आ जाए। हाँ राफिया तो जैसे हमारी मर्जी से आएगी भाई, वो अपने ससुराल वालों की मर्जी से आएगी। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग, क्या हुआ? देखिए ना भाई, इतने सारे मेहमानों को बुला लिया और अब उम्मीद लगाकर बैठी कि सब काम मैं ही करूंगी। मैंने कहा भी था कि आपकी शादी के बाद मिलाद रख लें, हानिया खुद ही सब काम कर लेती। पहली बार सही बात कह रही है, आइडिया सही तो है। हाँ भाई, तुम दोनों बहन भाई ठीक हो, मैं ही गलत हूँ बस। अरे यार प्यारी अम्मी जान, आप टेंशन ना लिया करें बस। देखिए मेरे पास ना आपकी इस टेंशन का हल है। बताओ क्या है? हानिया अगर शादी के बाद इस घर में मेहमानों का ख्याल रख सकती है तो अभी भी एक दिन के लिए रख लेगी तो क्या चला जाएगा? क्या तुम्हारा मतलब है कि? नहीं भाई, हानिया की अम्मी उसे कभी लेकर आएंगी नहीं। पर अगर मेरी अम्मी फोन करेंगी खुद तो फिर तो उसकी अम्मी को भेजना पड़ेगा। आपका बेटा हूँ, क्या मिलाओ फोन। हेलो जी, जी रक्षंदा बहन कैसी हैं आप? जरूर जरूर, क्यों नहीं आऊंगी मैं जी। मगर रक्षंदा बहन ये तो मुनासिब तो नहीं लगता। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? बेटा जरा पानी तो लेकर आना मेरे लिए। जी अम्मी। खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, वो शानी की माँ का फोन था, कह रही हैं कि हानिया को सुबह भिजवा दें, तारा की मदद कर देगी। नहीं अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बेटा मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसी बात कही क्यों। कह रही हैं कि हानिया को बेटी समझकर बुला रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। जब उन्होंने आपसे ये बात कही थी तो आपको फौरन मना कर देना चाहिए था। अरे बेटा उन्होंने मेरी बात सुनी कब, पहले फोन बंद कर दिया। अच्छा अब जब जाएं तो फिर कोई बहाना बना दीजिएगा। हाँ पर क्या बहाना करूँगी मैं? उनसे कहिएगा कि घर पे कोई मेहमान आ गए थे तो इस वजह से मैं हानिया को नहीं साथ ले गया। हाँ बेटा कह तो दूँ मगर। मगर क्या अम्मी, आप क्या हानिया को साथ ले जाना चाहती हैं? चाहती तो मैं भी नहीं हूँ बेटा, लेकिन अगर इनकार करूँगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अब देखो ना उस दिन भी वो बुरा मानकर चली गई जब हानिया घर पर नहीं थी। अब अगर हानिया को साथ लेकर नहीं जाऊंगी तो कहीं बुरा ही ना मान जाए। जब तुम लोग फैसला कर ही चुके हो तो फिर हमसे मशवरा मांगने की क्या जरूरत है? नहीं भाभी, भाईजान जैसा कहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। भाई अगर उन लोगों का इसरार है तो मेरे ख्याल में जावेद का कहना गलत नहीं है। हानिया तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी, और फिर वैसे भी ये खवातीन ही की तकरीब है। खवातीन की तकरीब है इसीलिए मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। खवातीन ही तो बातें बनाती हैं।
तुम क्यों शादी से पहले अपनी लड़की पे लोगों को इजाजत दे रही हो कि वो उंगली उठाए? नहीं भाभी, मैं कब दिल से ऐसा चाहती हूँ? नुसरत, परेशान ना करो साले। मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, इसे समझा रही हूँ। लड़कियों का मामला बहुत नाजुक होता है। मैं इतनी नासमझ नहीं है सालिया। तुम ले जाओ हानिया को। जब वो लोग इतना इंसिस्ट करके बुला रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। खैर, मुझे तो मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों ने अपनी मर्जी करनी है तो कीजिए। नुसरत की बातों में बुरा मत मानना सालिया। नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी सही कहती हैं। शानी की मम्मी के लहजे में सख्ती होती है। नहीं चाहती कोई ऐसी बात हो जिस पे कल को हमें पछताना पड़े। ठीक कहती हो भाई, जब गैरों में बेटी दे ही दी है तो फिर वो जैसे कहें उनकी मर्जी के मुताबिक चलना। चाय बन रहा है? उपो बैठी है ना बाबा के पास। हाँ, तुम चलोगी मिलाद में? हाँ जरूर, बल्कि मैं भी तो देखूं कि हानिया के ससुराल वाले हैं कैसे। हानिया भी जा रही है शादी से पहले। वाह, उसकी तो बड़ी मौजे हैं वैसे। मौजे नहीं, हद से ज्यादा बेशर्मी है। तो पुप्पो ने नहीं रोका उसको? उनकी सुनती कहाँ है वो। लड़का भी उसने खुद ही पसंद किया है, अब वो कुछ कहे ना कहे क्या फर्क पड़ता है। कितनी खुश नसीब है ना वो, जिसे उसने पसंद किया उसे उसकी शादी हो रही है। खुदा जाने कि ये रोमांस कब तक चलता है। वैसे मुझे तो लगता है कि इसने खुद ही कहा होगा उन्हें, खुद ही जाना चाह रही होगी वहां शायद। चले आप लोग जाए मिलाद पर, मैं घर पर रुकूंगी। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि तुम जाओगी। वो दरअसल समझा करे ना, मैं घर ही रुकूंगी। काश कि जिसके लिए तुम रुक रही हो उसके लिए भी इतना ही जरूरी है। होगा, वो बहुत जल्दी मेरी मोहब्बत को तस्लीम करेगा। एक तो पूरे मोहल्ले और खानदानों को बुला लिया अम्मा ने, और खुद तो उनसे कुछ होता नहीं, और मोहल्ले में किसी से इतनी बनाई भी नहीं कि कोई आकर मदद करवा दे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बावली तो नहीं हो गई? जी जी, देख लें आप भी, पूरे घर का काम मुझसे करवाया जा रहा है, और वो आपकी महारानी साहिबा अभी तक नहीं आई। अरे आ जाएगी आ जाएगी, क्या हो गया तुम्हें? पर इसे भी आंटियों की तरह हाथ हिला हिला के बात मत किया करो। अच्छा कब आएगी? जब सारे घर का काम हो जाएगा, वो मेहमानों के साथ मेहमान बनकर आ जाएगी, तब उसके आने का मुझे क्या फायदा बताओ भला। मेरी बात हो गई थी, वो अपनी अम्मी के साथ आ जाएगी, और तुम्हारा फायदा नहीं तो क्या हुआ, मेरा फायदा तो है ना हर चीज में, तुम्हारा फायदा थोड़ी होगा। और आराम से, तकिए टूट गए तो? अरे मतलब एक तो काम भी सारा मैं करूं और सारे आकर गुस्सा भी मुझ पर करें। चले सालिया। जी चले। बेला तुम नहीं चल रही हमारे साथ? वो मुझे काम है थोड़ा घर में। अब चली जाती बेटा तो अच्छा था। नहीं सालिया, मैंने ही इसे मना किया है। दरअसल जवान बेटियों का किसी गैर घर में जाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। चले, देर हो रही है। जी चले। हानिया जी, कितनी देर है? बस आप ही चाय डालनी रह गई है। जरा जल्दी कर लो, तुम्हें पता है ना मेहमान ऐनी बातें करते हैं। मैं कर लेती हूँ। अरे पता है मेहमानों से याद आया, खवातीन नहीं अंदर बैठी, वो कह रही थी बड़ा चांद का टुकड़ा तोड़ के लाई हो अपने भाई के लिए। हाँ तो हमने कहा ये कारनामा, हमने कहा हमारे भाई ने ही सर अंजाम दिया। ऐसे राज करोगी इस घर पर,
डॉक्टर आई हो? अरे आइए आइए, वैसे ये मुंह देखने के लिए तो हम तरस ही जाते हैं। आज चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे किसी के, क्या बात है? ऐसे ही बस। जरा बेगम की हेल्प कराएं, मैं बाकी काम लूंगा। तुम क्या 14 अगस्त मनाने आई हो या मिलाद पे आई हो? शानी अच्छी लग रही है। इसी तरह मुझसे काम करवाते रहेंगे तो मैं आपको अच्छी लगती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बुलाया मैंने? ये काम तो कोई भी कर लेगा। उनको जिद के बहुत पक्के हैं। तुम भी जिद किया करो, मोहब्बत में जिद अच्छी लगती है, जब दिल करे मोहब्बत में जिद करनी चाहिए। तुम भी किया करो। लो मैं वहां इंतजार कर रही हूँ, मुझे क्या पता यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। नहीं वो तो मैं बेकरी जा रहा था, मैं इसे बस पूछने आ गया कि अगर उसको कुछ चाहिए तो मैं बेकरी से ले आऊंगा। मैं बस ला रही थी आंटी। मैं बेकरी जा रहा हूँ। ये तारा कहाँ है भाई, कोई चीज कम तो नहीं है? नहीं नहीं आंटी, सब कुछ बहुत है, मैंने डाल दिया। कम हो तो बता देना बेटा। जी चीनी जी मैं ले आई थी। चलो जल्दी से डालो और लेकर आओ। जी आंटी। सैयदेना मोहम्मदिन वाला आलिही वसल हाबिही वसल्लम ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब बिल्कुल फिक्र मत करो यार, तुम बस जल्दी से आकर मुझे पिक कर लो। वैसे भी घर पे सब मसरूफ हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम वापस आ जाएंगे आइसक्रीम खाकर। और एक बात तो आपको पता ही होगी कि किसी के घर जाकर जासूसी करना बुरी आदत होती है। नहीं बेटा वो मैं तो यहाँ से गुजर रही। झूठ मत बोले, आप यहाँ चुप चुप कर मेरी बातें सुन रही थी। क्या हो गया तारा, बड़ों से ऐसे बात की जाती है? मुझे तो इसी तरह बात करने आती है, अब तुम आओगी घर में तो तुमसे नए तरीके सीख लूंगी। क्या हुआ भाई, ये सब क्या हो रहा है? नहीं रक्षंदा बहन, वो मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और कोई गलत फहमी हो गई इसे, ये तो फोन पे बात कर दे। कह भी कि मैं फोन पर किसी लड़के से बातें कर रही थी और ये भी कह दे कि मैं उसके साथ आउटिंग का प्लान बना रही थी। तौबा तौबा, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करें आप। बस करो तारा, हद होती है हर बात की, के सामने बात करते वक्त कुछ तो शर्मोल्लास किया जाता है। अरे बीबी अभी तो तुम इस घर में आई नहीं हो बहू बनके, और पहले ही नंद पे सारे जोर जमाने शुरू कर दिए तुमने। और तुम चलो, तुम अंदर चलो जाओ तारा। वो रक्षंदा बहन, तारा को गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस कर दे बहन, मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं कि बिला वजह इल्जाम लगा दे। मुझे हैरत तो हानिया पर हो रही, अभी हमारे घर में आई नहीं तो मेरी बेटी को बेशरम और बदलिहाज कह दिया। अरे तुम जब इस घर में आ जाओगी तब तो हम सबको उंगलियों पर नचाओगी। तो